हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS PO के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं प्री के अक्टूबर मंथ में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और दिसंबर मंथ में IBPS क्लर्क के भी एग्ज़ाम हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर। इनको इन वीडियो क्लासेस को आप रेगुलरली देखिए। इस वीडियो क्लास में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस करेक्शन के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस लिए हैं, इनको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये हैं क्वेश्चंस और सेम ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं IBPS PO प्री में। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं। इसमें क्या है कि एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है और चार पार्ट में से किसी भी एक पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट में या चार पार्ट में इसमें एरर हो सकती है, या ये सेंटेंस नो एरर भी हो सकता है। तो उस केस में फिर आपका जो आंसर होगा वो होगा ई, नो एरर। तो यहां से इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैड स्पेल्ड आउट, हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्पेल आउट का मतलब है किसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस यहां पर लगा है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की है, तो इसलिए ये सही है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैड स्पेल्ड आउट, फर्स्ट पार्ट तो इसका सही है। अ क्लियर रोड मैप फॉर द गवर्नमेंट टू रैम्प अप। रैम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज करना। जैसे जैसे कहीं पर आपने किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल में देखा होगा कि सीढ़ियों के बगल में एक रैम्प अप बना होता है। जैसे बगल में सीढ़ियाँ होती हैं, उसके बगल में एक रैम्प अप ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं वो आसानी से चढ़ सकते हैं, सीढ़ियों के बगल में वो बना होता है रैंप अप, तो उसको हम बोलते हैं रैंप अप। लेकिन रैंप अप का यहाँ मतलब है जॉब क्रिएशन को इंक्रीज करना, टू रैंप अप जॉब क्रिएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अवेन्यूज वाइल इन्वेस्टिंग मोर रिसोर्सेज ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें बाकी सब तो सही है, फर्स्ट पार्ट सही है, सेकेंड पार्ट इसमें टू रैंप अप जॉब सही है, थर्ड पार्ट देखते हैं सही है। देखिए, इन्वेस्ट जब हम करते हैं तो किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, इन्वेस्टिंग इन FDs। इसलिए यहां पर एक्चुअली ये ऑन जो प्रपोजिशन है ये गलत है। ठीक है, इसके स्थान पर आना चाहिए यहां पर इन। बाकी इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में कोई कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली फोर्थ। ओनली फोर्थ दिया है इसमें, हाँ दिया है, ओनली फोर्थ इसका आंसर होगा। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैड स्पेल्ड आउट, प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसने स्पेल आउट किया था, उसने एक्सप्लेन किया था एक क्लियर रोड मैप किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए एक रोड मैप उसने बना के दिया था, ताकि इसका पर्पस क्या था, टू रैम्प अप जॉब क्रिएशन को इंक्रीज करना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अवेन्यूज को इंक्रीज करना वाइल इन्वेस्टिंग मोर रिसोर्सेज। जब गवर्नमेंट अपने ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करे हेल्थ एजुकेशन या इसके डेवलपमेंट में, तो उसके लिए एक रोड मैप बना के दिया था किसने, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर की है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा फोर्थ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं IBPS PO प्री में, जिनका 12 तारीख को या 19 तारीख को एग्जाम है। तो मैं डेफिनेटली आपको रेगुलर बेसिस पर काफ़ी प्रैक्टिस कराऊंगा IBPS PO प्री के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए, और डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम में। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ देखते हैं, बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स व्हेन कंपेयर टू द रिजल्ट्स रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर हैव शोन, हैव सही है यहाँ पर क्योंकि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स When compared to the results reported for the first quarter have shown signs of improvement that suggest, अब देखिए यहां पर गलती है इसमें, ये सजेस्ट किसके लिए आया है, सजेस्ट एक वर्ब है। ठीक है, तो सजेस्ट एक्चुअली आया है साइंस के लिए, यहां पर साइन ऑफ इंप्रूवमेंट जो सजेस्ट करते हैं, दैट का मतलब है जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है जो, साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट जो सजेस्ट करते हैं। तो साइंस क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी यहां पर। लेकिन ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, जिसमें एस लगा होता है वो सिंगुलर होती है। तो थर्ड पार्ट इसमें गलत है।
ठीक है, अ स्लो बट स्टेडी पिकअप इन डिमांड इन द वाइडर इकोनॉमी. एक बार फिर से मैं पढ़ के बताता हूँ आपको. बोथ रिवेन्यू एंड प्रॉफिट व्हेन कंपेयर टू द रिजल्ट्स रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर हैव शोन. देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट और दूसरे क्वार्टर में जो रिजल्ट आए उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये वाइडर इकोनॉमी सही है. ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में इकोनॉमी उतनी वाइड नहीं थी, बाद के क्वार्टर में एक वाइडर इकोनॉमी की बात हो रही है. वाइडर इकोनॉमी मतलब जिसमें 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 ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जिसमें ज़्यादा FDI आ रहा है, इस सेंस में वाइडर का यूज़ यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, तो फिर से मैं पढ़ता हूँ इसको. बोथ रिवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स व्हेन कंपेयर टू द रिजल्ट्स रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर हैव शोन साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट. मतलब सेकेंड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं. साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट सजेस्ट होना चाहिए, दैट सजेस्ट अ स्लो बट स्टेडी पिकअप इन डिमांड इन द वाइडर इकोनॉमी. मतलब डिमांड वहाँ पर बढ़ गई है, एक स्लो तरीके से बढ़ी है लेकिन स्टेडी तरीके से बढ़ी है. सेकेंड क्वार्टर की इसमें बात हो रही है, सेकेंड क्वार्टर को फर्स्ट क्वार्टर से इसमें कंपेरिजन किया जा रहा है. तो थर्ड ही इसमें गलत है, बाकी तो सब सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं लग रही. तो इसमें आंसर होगा आपका ओनली थर्ड. ठीक है, तो इस तरीके से आराम से आपको सेंटेंस को पढ़ना है और फिर आपको उसका आंसर लगाना है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. इट इज अनकॉन्शनेबल. देखिए ये वर्ड जो है नया वर्ड है और इसका मतलब है, इट इज़ अनकॉन्शनेबल का मतलब है कि ये सही नहीं है गवर्नमेंट के लिए, ये राइट या वैलिड या अप्रोप्रिएट नहीं है. इट इज़ अनकॉन्शनेबल फॉर गवर्नमेंट्स थ्रू इनडिफरेंस एंड इनएक्शन टू बी सब्जेक्टेड टू सर्जन टू सच टॉक्सिक एयर एंड कॉज एक्सट्रीम सफरिंग स्पेशली अमंग पीपल विद रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स एंड इम्पेयर्ड लंग फंक्शन. देखिए इसमें मुझे सेकेंड पार्ट इसमें गलत लग रहा है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ. इट इज़ अनकॉन्शनेबल फॉर गवर्नमेंट्स, ये गवर्नमेंट के लिए गलत है. थ्रू इंडिफरेंस एंड इनएक्शन, थ्रू इंडिफरेंस एंड इनएक्शन मतलब कि गवर्नमेंट जो उदासीनता दिखाती है, इनएक्शन दिखाती है, एक्शन नहीं लेती है, सिटीजंस के लिए इसमें बात हो रही है. इट इज़ अनकॉन्शनेबल फॉर गवर्नमेंट थ्रू इंडिफरेंस एंड इनएक्शन टू सब्जेक्ट, एक्चुअली होना चाहिए टू सब्जेक्ट द सिटीजन टू सच टॉक्सिक एयर एंड कॉज एक्सट्रीम सफरिंग. ये गवर्नमेंट के लिए अनकॉन्सनेबल है, ये सही नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो सिटीजन्स को सब्जेक्ट बनाए, सिटीजन्स को पीड़ित करे या सिटीजन को मजबूर करे कि वो टॉक्सिक एयर को झेलें ताकि उनको एक्सट्रीम सफरिंग का सामना करना पड़े. किसी व्यक्ति को हम किसी चीज़ का सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब उसको वो चीज़ झेलनी पड़ती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये टू बी सब्जेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पर होगा टू सब्जेक्ट. एक बार फिर से पढ़ता हूँ. इट इज़ अनकॉन्सनेबल फॉर गवर्नमेंट्स थ्रू इंडिफरेंस एंड इनएक्शन टू सब्जेक्ट द सिटीजन. एक्चुअली टू वर्ब है एक्चुअली यहाँ पर, टू सब्जेक्ट द सिटीजन, ये गवर्नमेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सही नहीं है कि वो सब्जेक्ट करे सिटीजन्स को टॉक्सिक एयर के प्रति. टू सब्जेक्ट द सिटीजन, एक्चुअली ये टू भी गलत है, ये सेकेंड वाला जो टू है ये गलत है. टू सब्जेक्ट द सिटीजन्स, ये पैसिव वॉइस में नहीं आएगा. टू सब्जेक्ट द सिटीजन्स टू सच टॉक्सिक एयर एंड कॉज एक्सट्रीम सफरिंग स्पेशली अमंग पीपल विथ रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स. मतलब उन सिटीजन्स की बात हो रही है जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है या जो इम्पेयर्ड लंग फंक्शन से पीड़ित हैं, उनकी इसमें बात हो रही है. सेकंड ही इसमें गलत है, बाकी सब तो इसमें सही है. तो इसमें आंसर होगा आपका सेकंड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. हिमाचल प्रदेश इन एनी केस हैज ऑलवेज हैड. देखिए ये हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हैड है ये मेन वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब के साथ हम मेन वर्ब लगाते हैं. अब हैज़ और हैव में कन्फ्यूजन क्या है कि हैज़ को आप हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो हैज़ ऑलवेज हैड, यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, जो कि सही है. ठीक है, हिमाचल प्रदेश इन एनी केस हैज़ ऑलवेज हैड रोबस्ट वोटर पार्टिसिपेशन. मतलब हिमाचल प्रदेश में किसी भी केस में हमेशा से
एक रोबस्ट वोटर पार्टिसिपेशन रहा है, एक मजबूत वोटर पार्टिसिपेशन रहा है विद मच हायर टर्नआउट्स, ठीक है, विद मच हायर टर्नआउट्स रिलेटिव टू अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। यहाँ पर चूंकि हम कंपेयर कर रहे हैं अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से हिमाचल प्रदेश को, तो हायर यहाँ सही है, टर्नआउट्स भी सही है क्योंकि टर्नआउट का मतलब होता है कि कितने लोग वोट करने पहुँचते हैं, तो कई सारे चुनाव होते हैं तो इसलिए टर्नआउट्स सही है। रिलेटिव टू का मतलब होता है इन कंपेरिजन टू, रिलेटेड टू नहीं है ये, रिलेटेड टू तो मतलब संबंधित होता है, ये रिलेटिव टू है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं लग रही है और इसमें आंसर होगा आपका नो एरर। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। द एन एच आर सी हैज डायरेक्टेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, आप खुद देखिए क्या ये फर्स्ट पार्ट आपको सही लग रहा है। द एन एच आर सी हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट, जब हम किसी को डायरेक्ट करते हैं, आई डायरेक्टेड हिम, डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो वर्ब है, आई डायरेक्टेड हिम, ठीक है, या मैनेजर डायरेक्टेड द सेक्रेटरी, या प्रिंसिपल डायरेक्टेड द टीचर, ठीक है। टू कब आएगा इसमें, टू जब आएगा जब इसके बाद यहाँ पर नाउन होंगे, जैसे ही हैज गिवन डायरेक्शन, ही हैज गिवन डायरेक्शन टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, इस तरीके से जब डायरेक्शन को हम नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तब उसके बाद टू आ सकता है, लेकिन यहाँ पर टू गलत है। द एन एच आर सी हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट, द एन एच आर सी हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट, टू नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तो फर्स्ट इसमें गलत हो गया। द एन एच आर सी हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक, उसने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है, निर्देशित किया है, किस लिए, टू टेक अटमोस्ट केयर टू सी, मतलब इस चीज की, इस चीज में बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, टू सी दैट द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड, देखिए ये डिजीज नहीं है बीमारी वाला, ये डिसीज्ड है, डिसीज्ड का मतलब है जो लोग मर गए हैं, डिसीज्ड, ठीक है, तो दा लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, द डिजीज्ड का मतलब मरे हुए लोग, द डिजीज्ड आर सूटेबली कंपनसेटेड, देखिए उसी के लिए कंपनसेटेड वर्ड आया है, जो जो लोग मर चुके हैं उनके उनके जो क्लेम्स होते हैं, जैसे इंश्योरेंस के क्लेम्स वगैरह होते हैं, उसकी इसमें बात हो रही है। द एन एच आर सी हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक अटमोस्ट केयर टू सी दैट द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड आर, चूंकि फैमिलीज प्लूरल है तो इसलिए आर सही है, आर सूटेबली कंपनसेटेड, कंपनसेटेड वर्ब है तो इसके पहले ये एडवर्ब लगा हुआ है, सही है, आर सूटेबली कंपनसेटेड बाय वेज, गलत है ये, बाय वे होना चाहिए, बाय वे ऑफ मॉनिटरी रिलीफ विदाउट एनी डिले, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एन एच आर सी ने स्टेट गवर्नमेंट से बोला है कि वो अटमोस्ट केयर लें, सावधानी बरतें कि सभी फैमिलीज को, सभी फैमिलीज जिनके लोग मर चुके हैं उनको सही तरीके से कंपनसेट किया जाए मॉनिटरी रिलीफ के द्वारा विदाउट एनी डिले, उसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए, बाय वे ऑफ मॉनिटरी रिलीफ, चूंकि मॉनिटरी रिलीफ सिंगुलर है तो इसलिए बाय वेज ऑफ नहीं होगा, बाय वे ऑफ होगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आपका एक तो गलत है और एक इसमें फोर्थ इसमें गलत है, फर्स्ट एंड फोर्थ इसमें आपका आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया, मैंने सारे फ्रेगमेंट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में क्वेश्चंस को करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी फेयर, टू बी फेयर एक फ्रेज है, इसको आप शुरू में भी लगा सकते हैं, टू बी फेयर का मतलब है कि यदि हम ईमानदारी से बात करें तो, ठीक है, टू बी फेयर यदि हम ईमानदारी से बात करें तो, द आरबीआई, आरबीआई से पहले द लगा हुआ है जो कि सही है, द आरबीआई शोड ग्रेट रेगुलेटरी फॉरबेयरेंस इन अलाउइंग लेंडर्स टू वर्कआउट रेमेडीज फॉर जेन्युइन केसेस विच फेस्ड अ बिजनेस साइकिल डाउनटर्न। देखिए इसमें इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आरबीआई ने ग्रेटर रेगुलेटरी फॉरबेयरेंस, फॉरबेयरेंस का मतलब सहिष्णुता या सहन करना, आरबीआई ने ग्रेट रेगुलेटरी फॉरबेरेंस दिखाया, किस चीज में दिखाया,
जब उसने लेंडर्स, लेंडर्स मतलब बैंक, क्योंकि बैंक कर्जा देती है, जब उसने लेंडर्स से बोला कि वो अपनी रेमेडी टू वर्कआउट रेमेडी फॉर जेन्युइन केसेस, जो जेन्युइन केसेस हैं जो लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए वो एक एक रेमेडी वर्कआउट कर सकते हैं, एक उपाय को वर्कआउट कर सकते हैं जो बिजनेस साइकिल डाउन टर्न को फेस कर रहे हैं। चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो इसलिए फेस्ड यहां पर सही है, क्योंकि यहां पर भी ये पास्ट में है, ठीक है। इन यहां पर सही है, इन अलाउिंग फोरबेरेंस उसने दिखाया, किस में दिखाया उसने फोरबेरेंस, कि जब उसने लेंडर्स को अलाउ किया कि वो रेमेडी एक बना सकते हैं, एक उपाय बना सकते हैं जेन्युइन केसेस के लिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई कहीं पर कोई गलती नहीं लग रही है, इसका आंसर होगा नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन एंड इंडियन नेशनल एंथम। देखिए इंडियंस तो सही है, लेकिन इंडियन नेशनल एंथम, किसके नेशनल एंथम की हम बात कर रहे हैं? इंडिया के नेशनल एंथम की। तो नेशनल एंथम यहां पर एक्चुअली द होना चाहिए, इसमें द इंडियन नेशनल एंथम बीइंग एडजस्ट एज द बेस्ट। देखिए एडजस्ट का मतलब होता है जस्ट एज, इस रूप में उसको जज करना, इसलिए हम एडजस्ट के बाद एज नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में इसमें गलती है, सेकंड में गलती है, आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फेक न्यूज गोइंग अराउंड द इंटरनेट। आर नहीं हम लगाएंगे क्योंकि ये एक ही न्यूज है, ये न्यूज कि इंडियन और इंडियन नेशनल एंथम बेस्ट हैं, यूनेस्को ने ये बोला है कि इंडियन और इंडियन नेशनल एंथम बेस्ट हैं, ये कॉमन फेक न्यूज है जो कि इंटरनेट पर चलती है या चल रही है। तो फोर्थ गोइंग अराउंड द इंटरनेट तो सही है, लेकिन चूंकि ये न्यूज एक ही है कि इंडियन और इंडियन नेशनल एंथम बेस्ट हैं, ये न्यूज एक ही है, ये अलग अलग दो न्यूज नहीं है, इसलिए एज आएगा यहां पर। एड जज का मतलब होता है जजेस, और इंडियन एंड इंडियन नेशनल एंथम यहां पर द होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों गलत हैं इसमें, तो इसमें आपका आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, विद आर डेमोग्राफिक स्प्रेड, विद आर डेमोग्राफिक स्प्रेड तो सही है, देयर हैज बीन एन अर्जेंट नीड टू कोडिफाई व्हाट इज परमिसेबल सोशल बिहेवियर। देखिए इसमें शायद इंडिया की बात हो रही है कि चूंकि हमारा डेमोग्राफिक स्प्रेड जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, एरिया इंडिया का काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए इस चीज़ की एक अर्जेंट नीड है कि इंडिया कोडिफाई करे, इंडिया इंस्ट्रक्शंस बनाए कि परमिशेबल सोशल बिहेवियर क्या है अलग अलग एरियाज में। तो एक तो यहाँ पर ये वाला पार्ट डी पार्ट गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि ये कोई क्वेश्चन पैटर्न नहीं है, यदि ये क्वेश्चन पैटर्न होता तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मार्क होता, जब क्वेश्चन मार्क नहीं है इसका मतलब ये क्वेश्चन पैटर्न नहीं है, क्वेश्चन पैटर्न नहीं है इसका मतलब यहाँ पर इस फ्रेगमेंट को आपको अफर्मेटिव में लिखना होगा, व्हाट परमिसेबल सोशल बिहेवियर इज, ये सही होगा यहाँ पर, व्हाट परमिसेबल सोशल बिहेवियर इज। तो एक तो ये इसमें गलत है, और एक इसमें जैसे अर्जेंट नीड है, देयर हैज़ बीन अ नीड, ऐसे तो आप बोल सकते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत रही है, शुरू से लेके अभी तक इस चीज़ की ज़रूरत रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम अर्जेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं लगाएंगे, अर्जेंट का मतलब है कि अभी है नीड, शुरू से लेके आखिरी तक नीड रही है ऐसा कहना गलत होगा। देखिए कॉन्टेक्स्ट को समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे विद आर डेमोग्राफिक स्प्रेड देयर इज एन अर्जेंट नीड, ऐसे कहना ज़्यादा सही होगा यहाँ पर, देयर इज एन अर्जेंट नीड। तो सेकेंड एंड फोर्थ इसमें आपके गलत हैं, सेकेंड फोर्थ का ऑप्शन है इसमें, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद अ हायर नंबर ऑफ पीपल विद टीबी बीइंग टेस्टेड, विथ टी बी बींग टेस्टेड फ्रॉम ड्रग रजिस्टेंस, द परसेंटेज विद रजिस्टेंस टू द ड्रग रिफाम्पसिन अलोन मोर देन डबल्ड 2.58 मिलियन इन 2016 ओवर द प्रीवियस ईयर। इसमें एक्चुअली फिर से पढ़ते हैं इसको, विद ए हायर नंबर ऑफ पीपल विद टी बी, मतलब जिन लोगों को टी बी की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, बींग टेस्टेड
फॉर एक्चुअली होना चाहिए, ये फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। देखिए पेशेंट्स को ड्रग रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट किया जाता है कि क्या उनके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, कि उनको टीबी की कोई भी अगर आप मेडिसिन दें तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा उस मेडिसिन का, क्योंकि उनके अंदर एक ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। तो पेशेंट को हम टेस्ट करते हैं ड्रग रेजिस्टेंस के लिए, फ्रॉम ड्रग रेजिस्टेंस ना होते हुए फॉर ड्रग रेजिस्टेंस होगा यहां पर, ठीक है। फॉर ड्रग रेजिस्टेंस द परसेंटेज विद रेजिस्टेंस, मतलब एक ऐसे पेशेंट हैं जो विदाउट रेजिस्टेंस हैं, एक ऐसे पेशेंट हैं जिसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, और रेजिस्टेंस के बाद हम टू लगाते हैं रेजिस्टेंस टू द डिजीज मोर देन डबल्ड, सही है, डबल्ड 2.58 मिलियन इन 2016 ओवर द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर की तुलना में 2015 की तुलना में 2016 में ये फिगर जो है डबल हो गई है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गया, जिन पेशेंट के अंदर इस मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है उनकी संख्या डबल हो गई है, ठीक है। तो एक तरीके से ये सर्वे हुआ है, वहाँ से ये स्टेटमेंट लिया गया है, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम गलत है, ओनली सेकेंड इसमें आपका आंसर होगा, बाकी सब सही है इसमें, ठीक है। डबल्ड सही है, इसको हम वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, डबल्ड के बाद टू भी यहाँ पर सही है और ओवर द प्रीवियस ईयर भी सही है, ओनली सेकेंड इसमें आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वीक अगो न्यूज़पेपर्स रिपोर्टेड दैट अ हैंडफुल ऑफ द बिग वेस्टर्न ऑयल कंपनीज वर क्लोज टू अनवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वर्क इन इराक हुज अंडर एक्सप्लॉइटेड ऑयल रिजर्व आर प्रोबेबली सेकेंड ओनली टू सऊदी अरेबिया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम इराक के जो ऑयल रिजर्व हैं उसकी तुलना हम सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व के साथ करेंगे, यदि हम लॉजिक को देखें, ठीक है। इराक इराक की तुलना सऊदी अरेबिया से नहीं हो रही है यहाँ पर इराक के ऑयल रिजर्व की तुलना हो रही है, और इराक के ऑयल रिजर्व की तुलना सऊदी अरेबिया से नहीं होगी, इराक के ऑयल रिजर्व की तुलना सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व से होगी, ठीक है। तो इसलिए हुज अंडर एक्सप्लॉइटेड ऑयल रिजर्व आर प्रोबेबली सेकेंड ओनली टू दोज ऑफ, यहाँ पर दोज ऑफ होना चाहिए, फोर्थ, ओनली फोर्थ इसमें गलत है, बाकी सब सही है। इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ, इसको पूरा पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। अ वीक अगो मतलब एक सप्ताह पहले न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि हैंडफुल ऑफ द बिग वेस्टर्न ऑयल कंपनी, कुछ बिग वेस्टर्न ऑयल कंपनी जो हैं वो काफ़ी नज़दीक थी किस चीज़ के, देवर क्लोज टू वॉट, क्लोज टू अनवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क इन इराक, वो कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर खोल रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बता रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट अपना दे रही हैं ताकि वो इराक में वर्क कर सकें। वर क्लोज टू अनवेलिंग का मतलब होता है ओपन करना किसी चीज़ को, वर अनवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वर्क इन इराक हुज अंडर एक्सप्लॉइटेड ऑयल रिजर्व्स, तो इराक की बात हो रही है, जिसके जिसके अंडर एक्सप्लॉइटेड ऑयल रिजर्व जो हैं वो सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व से सेकंड हैं, ठीक है। तो इसमें फोर्थ केवल गलत है, बाकी सब इसमें सही है। इस वीडियो को आप कई बार देखिए, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और प्री और मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, हाईली यूजफुल ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस वीडियो क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इस तरह के वीडियो क्लासेस पीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के लिए रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा इस चैनल पर, तो इन वीडियो क्लासेस को देखें, डेफिनेटली इनसे आपको हेल्प मिलेगी। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।